तो एक दिन उसने हमको अपने होटल पर उसने वो रेस्ट पर रखा, दूसरे दिन आर्मी के हवाले कर दिया सर। और बाद में हमको रायजान लेके गए, रायजान से हमको सीधे यूक्रेन में लेके गए सर। कि अब तो फंस चुकी है, तो फ्रॉड हो चुका है कि अब जितना हो सके अपने आप को सेव कर लो और एम्बेसी कॉन्टैक्ट कर लो। और एक बंदा था सर मेरा, राजा पठान के नाम से जाना जाता था, उसने बहुत हेल्प की सर। एक पेपर मंगवाया और पेन मंगवाया, हमने पूरी डिटेल देखी कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हम 6 बंदे हैं, ऐसे आए थे, हम इस जॉब पर आए थे, हम मास्को में जॉब करने के लिए आए हैं, हमको यहाँ भेजा गया है। एक्चुअली हमारे हैदराबाद के एक दोस्त थे, उसके भाई की डेथ हुई थी वहाँ पर, तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब से बहुत क्लोज थे, तो उन्होंने सबसे पहले हमारा केस हाईलाइट किया। सबसे पहले उसने हमारी आवाज़ पार्लियामेंट में उठाई। तो उसके बाद वो मोदी जी वहाँ पर आए, उसके बाद एम्बेसी ने इस पर और ज़ोर से काम करना शुरू किया। जीके टीवी में आप सबका खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला पुलवामा के पोशवन इलाके में और आज़ाद यूसुफ कुमार के घर में हम इस वक्त मौजूद हैं। आप सबको मालूम होगा कुछ महीने पहले आज़ाद यूसुफ कुमार सोशल मीडिया पर काफ़ी देर तक रहे, क्योंकि इनको एक जॉब फ्रॉड के ज़रिए रशियन मर्सनरीज़ में भेज दिया गया था। इनकी ये कहानी क्या थी, तब इनके घर पे मातम था, आज इनके घर पे खुशी है क्योंकि ये वापस लौट आए हैं। इनकी ये कहानी क्या थी, इन्हीं से जानते हैं। आपका खैर मकदम है जीके में, और सबसे पहले आपको मुबारकबाद देते हैं कि आप घर वापस लौट आए। शुक्रिया सर, शुक्रिया, थैंक यू। आप हमें बताइए कि ये जो सारा मामला था, जॉब फ्रॉड था, ये कैसे हुआ और कैसे आप रशिया पहुँच गए? सिंपली सर, हम जैसे सारे लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, तो मैं भी यूट्यूब देख रहा था सर, तो वहाँ पर मैंने देखा यूट्यूब पर एक व्लॉग आया था जो कि बाबा व्लॉगर्स के, जो बाबा व्लॉगर्स चला रहा था सर, उसका असली नाम फैसल खान था। तो उसने एक ऐड डाला था सर रशिया सिक्योरिटी हेल्पर जॉब का सर, तो वहाँ पर उसने लिखा था फर्स्ट 3 मंथ यू विल गेट 40,000 to 50,000 पर मंथ, आफ्टर दैट यू विल गेट 1 लाख पर मंथ, अपने सैलरी पैकेज अच्छा है, एंड यू विल डू वर्क ओनली वन ईयर, आफ्टर दैट यू विल गो बैक योर होम। ऐसा जब मैंने देखा कि वो आसान है, कोई टेंशन नहीं है, तो हमने अप्लाई कर दिया सर, उसके साथ कॉन्टैक्ट करके हमने अप्लाई कर दिया सर। तो सबसे पहले जब आप रशिया पहुँच गए इस फ्रॉड के बाद, तो सबसे पहले आपके साथ वहाँ पर क्या हुआ? हमको रिसीव किया गया सर। रिसीव करने के बाद, क्योंकि वो जो एजेंट जिसने हमें रिसीव किया सर, उनके साथ उनकी बात थी सर, तो एक दिन उसने हमको अपने होटल पर उसने वो रेस्ट पर रखा, दूसरे दिन आर्मी के हवाले कर दिया सर। तो जब आप आर्मी के हवाले हुए, उसके बाद क्या फीलिंग थी, क्योंकि आपको एक वार फ्रंट में भेज दिया गया, कुछ ट्रेनिंग हुई वहाँ पे या कैसी फीलिंग रही आप? ट्रेनिंग तो दूसरी बात है, लेकिन जब हम वो क्या कहते हैं सर, आर्मी के हवाले किए गए, तो हमको लगा कि हमको हमारे फ्रॉड हो रहा है। हमने बहुत ज़्यादा मिन्नत की, बाबा विला को हमने कॉल किया, मोइन को हमने कॉल किया, नाजिल को कॉल किया कि हमारे साथ, सुफियान को हमने कॉल किया, हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, तो आपने सिक्योरिटी हेल्पर का बोला है हम यहाँ को, हम रशियन में आर्मी में जा रहे हैं, तो हमको यहाँ से निकालिए। तो वो बोले तो कोई टेंशन नहीं है, आप टेंशन मतलब आपको सिक्योरिटी हेल्पर की जॉब ही मिलेगी, सिक्योरिटी की मिलेगी आपको जॉब। तो जिसमें हमको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा, वो जो कि पूरा रशियन लैंग्वेज में था, और बाद में हमको रायजान लेके गए, रायजान से हमको सीधे यूक्रेन में लेके गए सर। तो आपने अपनी जब कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया और आपको पता चला कि हमको वार जोन में भेज दिया गया, क्या कोई वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर था, क्या आपको उनकी लैंग्वेज समझ आती थी, आप किन से अपनी रूदात बोलते? लैंग्वेज बैरियर तो बहुत है सर, उनको तो इंग्लिश आती नहीं है, वो सिर्फ रशियन बोलते हैं, और उनके पास मोबाइल रहते हैं, रशियन कमांडर्स के पास मोबाइल रहते हैं, वो फिर हमसे ट्रांसलेशन करते थे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी सर बात करने में, हम जो कहना चाहते थे उनको कह नहीं सकते। फिर हमने एक बार क्या किया कि हमने एक पेपर मंगवाया और पेन मंगवाया, हमने पूरी डिटेल देखी कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हम 6 बंदे हैं, ऐसे आए थे, हम इस जॉब पर आए थे, हम मास्को में जॉब करने के लिए आए हैं, हमको यहाँ भेजा गया है। तो फिर उसने वो जो हमारे साथ कमांडर रहते थे, उसने वो पूरा ट्रांसलेट करके रशियन में, जब उसे पता चला ये कहना क्या चाहते हैं, तो उसने कहा कि हम आपकी बात आगे पहुँचेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो उसके बाद आपने फैमिली से सबसे पहले कैसे कॉन्टैक्ट किया? क्योंकि मैं तो ज़ख्मी हो गया था सर 6 दिन के बाद ही सर, हॉस्पिटल से वापस आने के बाद मैंने फैमिली से कॉन्टैक्ट किया, लगभग 1 महीने के बाद, ये भी बहुत डरे हुए थे सर, तो ईमो थ्रू मैंने कॉन्टैक्ट किया, क्योंकि व्हाट्सएप पर तो वहाँ पर तो व्हाट्सएप बैन है सर,
आर्मी में आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकते। तो ईमो के थ्रू मैंने घरों से बात की सर। क्या कुछ रिस्पांस आया घर से? बस हिम्मत दी उन्होंने घर वालों ने कि अब तो फंस चुकी है, तो फ्रॉड हो चुका है कि अब जितना हो सके अपने आप को सेव कर लो और एम्बेसी कॉन्टैक्ट कर लो। और एक बंदा था मेरा राजा पठान के नाम से जाना जाता था, उसने बहुत हेल्प की सर। और बाद में उस बंदे ने मेरे घर वालों को जितना सपोर्ट किया, मतलब जितनी हिम्मत दी, और मुझे बाद में इन 9 महीने तक उसने जितनी हिम्मत दी वो मतलब नाकाबिली तारीफ है सर। इन 9 महीनों में आपको कभी ऐसा लगा, क्या ऐसा फील हुआ कि मैं अब घर नहीं पहुँच सकता? बिल्कुल हर दिन सर, हर दिन 50-50 चांसेस था सर। एक तो भरोसा था कि हमने जो प्रोसीजर फॉलो किया है ये तो रंग लाएगा, लेकिन ज़िंदा रहेंगे ना रहेंगे वो प्रोसीजर कब कंप्लीट हो जाएगा, कब हमारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, कब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, तब तक ज़िंदा रहना ही बड़ी बात है सर। तो आखिर में मतलब आप घर पहुँचने की जो प्रोसेस स्टार्ट हुई, ये आखिर में कैसे स्टार्ट हुई? पहले तो मैंने एम्बेसी से कॉन्टेक्ट किया था, और मेरा एक भाई जो राजा पठान के नाम से जाना था, उसने मेरी लेटर डलवाई थी सर रशियन फेडरेशन में, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया की जो है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ जो रशिया की है, उसमें लेटर डलवाई थी ऑन बिहाफ ऑफ मी सर। तो उस एक तो मैंने वो किया था, एम्बेसी भी कॉन्टेक्ट किया था, और 16 जून को मोदी जी भी आए थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रशिया, तो उसने भी दरख्वास्त किया था। तो ये सब प्रोसेस होके बाद में हमको निकाला गया सर। आपको कोई एक्सेस था कि मतलब किसी पॉलिटिशियन को कांटेक्ट करने की, या ऐसे मतलब जैसे ऐसे कोई गैदरिंग होती थी वहाँ पे आपको कोई एक्सेस थी ऐसे? एक्चुअली हमारे हैदराबाद के एक दोस्त थे, उसके भाई की डेथ हुई थी वहाँ पर, तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब से बहुत क्लोज थे, तो उन्होंने सबसे पहले हमारा केस हाईलाइट किया। उसने हमारी आवाज़ पार्लियामेंट में उठाई, तो उसके बाद वो मोदी जी वहाँ पर आए, उसके बाद एम्बेसी ने इस पर और ज़ोर से काम करना शुरू किया, तो बाद में ये सब हो गया सर। ये जो फ्रॉड आपके साथ हुआ, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? बिल्कुल, हमारा केस सीबीआई के अंडर हो चुका था सर, जो कि एम्बेसी वालों, जो एम्बेसी के सर है इस वक्त मिस्टर थंगाराज ऐसा कुछ उसका नाम है सर, उसने कहा कि आपका केस सीबीआई के अंडर है, तो आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, तो आपको सीबीआई के पास जाना पड़ेगा। तो सीबीआई वालों ने बहुत सारे बंदों को पकड़ा, हालांकि 30 या 31 ऐसी कुछ लिस्ट आई थी सीबीआई वालों ने जिन्होंने उनको पकड़ा था सर, उनमें से 14 अरेस्ट हुए हैं सर, और उनमें से हमारा एक ही एजेंट, दो एजेंट अरेस्ट हुए, एक तो नाइजल नामी का बंदा और वो सुफियान और उसकी बीवी पूजा नाम, ये अरेस्ट हो चुके हैं सर। ये जो आप रशिया में थे और आपका वहाँ पे जो आर्मी में काम था, वो काम क्या था और आप जख्मी कैसे हुए? गोली लगी थी सर, मेरे पैर में गोली लगी थी ट्रेनिंग के दौरान, 6 दिन के बाद ही सर। बाद में मुझे हॉस्पिटल लिया गया, और जब उनको लगा कि ये इंजर्ड हैं, तो मुझे बाद में वो बंकर खोदने में लगा दिया सर, वही काम रखा गया सर पूरे 8 महीने तक सर। मतलब आप एक्चुअल वार फ्रंट में नहीं थे? एक्चुअल वार फ्रंट में नहीं था सर, बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जो जो जख्मी होते हैं उनको फ्रंट में नहीं किए जाते सर, उनको या तो वार से 20 किलोमीटर पीछे रखेंगे, या तो 10 किलोमीटर या तो 5 किलोमीटर पीछे रखेंगे सर। तो एक हिसाब से कह सकते हैं कि ये आपके लिए अच्छा ही साबित हुआ? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो मेरे पैर का लगना और रशियन मिनिस्ट्री में जो लेटर डलवाना, डिफेंस मिनिस्ट्री में लेटर डलवाना, और उनका वो जो रिप्लाई आना, वो जो रिप्लाई बाद में कमांड लोगों को दिखाना कि मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, मुझे यहाँ से निकलना है, तो वो उसकी वजह से मैं पीछे रहा सर। आखिर में आपसे पूछना चाहेंगे कि इस सारे प्रोसेस में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना रोल रहा, और कौन कौन सी ऐसी एजेंसी आपको लगती है कि जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सबसे पहले जो एम्बेसी आती है सर, इनका व्यवहार बहुत गलत था हमारे साथ। मतलब हमने जब इनके साथ कॉन्टेक्ट किया सर, 16 अप्रैल तक हमारा इनके साथ कॉन्टेक्ट था, जब हमें लगा ये कुछ कहने वाले नहीं है, ये कुछ करने वाले नहीं है, ये सर हमें डेट पर डेट दे रहे हैं, तो हमने इनके साथ कॉन्टेक्ट करना छोड़ दिया सर। तो इससे पहले हमने राजा पठान के साथ कॉन्टेक्ट किया था सर, तो उसने हिम्मत दी बहुत, उसने कहा कि आपको प्रोसेस तो ऑलरेडी एम्बेसी के थ्रू हो रहा है, और ये नहीं कि एम्बेसी बैठी हुई थी, काम वो भी कर रहे थे लेकिन स्लो बहुत कर रहे थे, बहुत देर, अगर वो थोड़ा और जोर लगाते शायद जो दोस्त मैं खो चुका हूँ शायद वो आज जिंदा होती सर। और वो जो राजा पठान थे, तो उसकी वजह से सर, एक तो उसकी वजह से, उसके बाद वो जो मोदी साहब वहाँ पर आए थे सर 16 जून को सर, तो उनका तो हम नहीं बोल सकते सर।
जो आपकी ये मतलब जो दोस्त है आपके, जब उनकी डेथ हुई, वो इमिडिएटली आपके पास वो खबर पहुंची या देर से, फिर उसके बाद आपका क्या रिएक्शन था, कैसी फीलिंग थी? बहुत डरे हुए थे सर, मतलब हम रो रहे थे सर। तो हम जब हम रोना शुरू कर दिए, मेरे साथ एक और दोस्त था इंडिया का, हम रोना शुरू कर दिए कि हमारे दोस्त के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, यकीन नहीं आ रहा था सर। फिर जब फोटो देखी तो यकीन करना पड़ा सर। तो वहाँ जो हमारा कमांडर हमारे साथ रहता था, तो हमको बुला लिए, तो हमको ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया कि आप तो मुसलमान हो, मुसलमान कैसे डर सकते हैं। तो हमारा ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया, तो हमको चुप करा दिया सर। लेकिन हमने उसी वक्त मीडिया में डाल दिया सर, तो तब से आके मीडिया में ये हाईलाइट हो गया सर। कितने आपके साथ इंडियंस थे जो वहाँ पे थे और कितने वापस आ गए? मेरे साथ सर हम 6 बंदे गए थे सर, 6 में से एक हमारा एक दोस्त की डेथ हो गई और मैं इंजर्ड हो गया था, तो हम 5 वापस आ गए, तो वो दोस्त हमारा वापस नहीं आ सका सर। ये इंडिया में अलग अलग स्टेट्स से थे या कश्मीर में और कोई था? बिल्कुल हम अलग अलग स्टेट्स के थे। कश्मीर में मुझसे पहले गए थे एक जोर अहमद का नाम एक बंदा था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये कश्मीर का है। बाद में मैं जब रशिया पहुंचा, उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर एक और बंदा है वो कश्मीर का है, लेकिन बाद में पता चला वो भी फौत हो चुके हैं सर। अभी घर में आने के बाद कैसा फील हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है, मतलब इस खुशी का हम क्या कह सकते हैं। इस खुशी में जो हमारी मतलब शरीक है ना, पहले तो इंडियन एम्बेसी जिसने हमारी टिकट करवाई बाद में फ्री ऑफ कॉस्ट, उसने कहा कि हम आपकी टिकट करवाएंगे, क्योंकि वहाँ के जो अभी नए जो हेड आए हैं वो बहुत अच्छे हैं सर। मतलब हमसे बेटे कहकर हमसे बात की है उन्होंने अभी तो। लेकिन लेडीज स्टाफ जो वहाँ का अभी भी उनका वो बिहेवियर वैसा ही है, लेकिन जो हेड वहाँ पर हैं बहुत अच्छे हैं सर। तो हमारी टिकट करवाई, या राजा पठान साहब हैं सर जो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, अभी मास्को में बहुत सारे बंदों को निकाल भी रहे हैं और बहुत हेल्प भी कर रहे हैं, हमारी भी हेल्प की है। उनको नहीं बोल सकते प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनको कैसे बोल सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब जिन्हें पहली बार हमारा केस पार्लियामेंट में उठाया, तो इसको तो हम नहीं बोल सकते सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और आपसे इजाज़त लेंगे और एक बार फिर से आपको मुबारकबाद देते हैं घर वालों। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ आज़ाद यूसुफ कुमार साहब, आपने खुद सुनी इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी। अभी ये बहुत खुश नज़र आ रहे हैं और इनके घर में भी खुशी का माहौल इस वक्त है। जो आज से 9 महीने पहले यहाँ पे मातम था, हम उस वक्त भी यहाँ पे आए थे और यहाँ पे मातम था पूरे घर में, और आज इस घर में खुशी का माहौल है। पोषण पुलवामा से मैं अर्जुमन वानी, जी की टीवी।